आगरा में पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक को रस्सी से बांध कर दी तालिबानी सजा, पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगाया। आगरा में 3 दिवसीय ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 6 नवंबर से होगा शुरू, देश विदेश की सार्थक फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। आगरा में सेल्समैन की हत्या कर लाखों की रकम लूटने वाले बदमाश हसन अली को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। और शारदीय नवरात्र के साथ में दिन आज मां काली रात्रि की जा रही आराधना। आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने दी तालिबानी सजा, हाथ पैर बांधकर युवक पर बरसाए लोहे के कोड़े, दबंग पीट रहे थे और भीड़ तमाशा देखती रही, पीड़ित युवक की थाने में नहीं हुई कोई सुनवाई, पुलिस ने भगाया। तालिबानी सजा देते हुए दबंगों का वीडियो हुआ वायरल, थाना भाग के जरार चौकी कस्बे का मामला। आगरा में थानाबाद क्षेत्र के जरार चौकी कस्बे में आज पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने एक युवक को तालिबानी सजा दे डाली। दबंगों ने युवक को पकड़कर रस्सी से हाथ पैर बांधकर और गले में रस्सी डालकर उस पर लोहे के कोड़े बरसाए गए। युवक बुरी तरह से चीख रहा था और दबंगों के जुल्म की इंतहा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस घटना को देखने के लिए भीड़ का मजमा भी लग गया था, लेकिन दबंगों के आगे किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की और मूक दर्शक बन तमाशा देखती रही। युवक को जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा जा रहा था, जिसके चलते उसके कपड़े तक फट गए। इस दौरान किसी शख्स ने छिपते छुपाते पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से पिटाई कर तालिबानी सजा देने का काम कर रहे हैं। पीड़ित युवक मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसकी एक राह सुनी और उसे भगा दिया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पुलिस इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी।